पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में मोदी को बड़ा झटका। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार, एमपी में भी सत्ता से बाहर होना तय। एमपी में 15 साल बाद सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस, बहुमत से दो कम 114 सीटें मिल रही हैं। एमपी में बीएसपी को दो और एसपी को एक सीट मिली, जिसके समर्थन से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। एमपी में कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिवराज मंत्रिमंडल के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, प्रदेश सरकार के 13 मंत्री चुनाव हारे। एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमलनाथ और सिंधिया के बीच सीएम पद की टक्कर। भोपाल में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ और सिंधिया के समर्थक आमने सामने आ गए। राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 100 सीटें। राजस्थान में सीएम के नाम का अब तक खुलासा नहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नाम पर चर्चा। राजस्थान में गहलोत के घर के बाहर समर्थकों ने नारे लगाए, गहलोत को सीएम बनाने की मांग। राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके घर के बाहर जश्न मनाया। चुनाव में हार के कारणों पर कुछ नहीं बोली वसुंधरा, कहा विधानसभा में उठाएंगे जनता की आवाज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला स्पष्ट बहुमत, आज हो सकती है कांग्रेस विधायक दल की बैठक। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की जीत को युवाओं और किसानों की जीत बताया। तीन राज्यों में जीत के बावजूद राहुल गांधी ने कहा, ईवीएम का सवाल अब भी बरकरार। ये चंद्रशेखर राव आज चुने जाएंगे टीआरएस विधायक दल के नेता, आज ही ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। तेलंगाना के चुनाव में टीआरएस ने क्लीन स्वीप करते हुए 119 में 88 सीटें हासिल की। तेलंगाना के चुनाव में हार के बाद टीडीपी ने कहा, कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों को आत्ममंथन की जरूरत। मिजोरम चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने की बड़ी जीत, 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल। प्रधानमंत्री ने जनादेश को स्वीकारा, कहा कांग्रेस टीआरएस को बधाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विधानसभा चुनाव को बताया सेमीफाइनल्स, देखा मोदी ब्रांड की चमक धुंधली पड़ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को हराने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे राहुल को पप्पू कहते हुए कहा, पप्पू अब परम पूज्य हो गया है। दिल्ली के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, कहा दलित प्रेम की वजह से हारी बीजेपी। लखनऊ में वीएचपी नेता नारायण सिंह ने कहा, राम को भूलने की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास बने आरबीआई के नए गवर्नर। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। शीतकालीन सत्र में शिवसेना राम मंदिर के लिए सरकार से विधेयक लाने की मांग करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस दिया, आरबीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं पर मंडराने वाले खतरे पर चर्चा के लिए नोटिस। यूपी के सीएम योगी आज नेपाल में राम सीता स्वयंवर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमा होगा वापस, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की इजाजत दी। तमिलनाडु दौरे के दौरान केरल के सीएम का विरोध, सबरीमला मंदिर मुद्दे पर दिखाए गए काले गुब्बारे। दिल्ली की गीता कॉलोनी में कार सवार शख्स पर स्कूटी सवार युवकों ने चलाई गोली, युवक की मौके पर मौत। दिल्ली के द्वारका में इंटीरियर डेकोरेटर ने युवक को चाकू से कूटकर हत्या की, पत्नी से दोस्ती का विरोध कर रहा था युवक। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी सचिन और उसके साथी को गिरफ्तार किया। मुंबई में हीरा व्यापारी की हत्या के मामले में 3 और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई के ब्रिज के रेलिंग से टकराया ट्रक, 2 लोग घायल। लखनऊ में 1 साल के बच्चे की निजी अस्पताल में मौत, परिवार ने किया हंगामा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतने वाली कृष्णा पूनिया राजस्थान से एमएलए बनी। हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स ने कनाडा को 5-0 से हराया, कल क्वार्टर फाइनल में भारत से टक्कर। पाकिस्तान की टीम हॉकी विश्व कप से बाहर, बेल्जियम से 5-0 से हराया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की विराट अनुष्का की तारीफ, बर्थ जाते समय दोनों ने अपनी बिजनेस क्लास की सीट तेज गेंदबाजों को दी ताकि वो आराम कर सके। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया पर्थ पहुंच चुकी है, परसों से दूसरा मैच। ईशा अंबानी और आनंद पिरामल की आज मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंजेलिया में शादी होगी। आज शादी के रिश्ते में बंधेंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा और गिन्नी चतरस। कपिल शर्मा की शादी की रस्मों की शुरुआत हुई, माता की चौकी का वीडियो आया सामने। शादी के एनिवर्सरी पर अनुष्का शर्मा ने शेयर किया प्यार भरा वीडियो।
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो का नया प्रोमो हुआ रिलीज। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।